किया। किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी देने के लिए फार्मटेक एशिया द्वारा प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 4 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। कृषि कॉलेज में आयोजित इस मेले का शुभारंभ शुक्रवार को कृषि मंत्री सचिन यादव ने किया। 15 से 18 नवंबर तक आयोजित हो रही इस मेले में किसानों को नई मशीनों और कृषि उपकरणों के साथ साथ फार्मिंग की जानकारी दी जा रही है। खेत के लिए उन्नत बीज, सिंचाई के लिए यंत्र, बुवाई के लिए मशीनों की आकर्षक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। मेले में संबोधन देते हुए कृषि मंत्री सचिन यादव ने जहां कमलनाथ सरकार द्वारा की जा रही कवायदों की जमकर तारीफ की, वहीं बीते 15 वर्षों से प्रदेश की सत्ता पर काबिज रहने वाले भाजपा पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार किसान और युवाओं के लिए प्रतिबद्ध है। बीते 15 सालों से झूठे सपने दिखाकर प्रदेशवासियों को चला गया था, जबकि कमलनाथ सरकार ने अब तक 20 लाख से अधिक किसानों का 7000 करोड़ का कर्जा माफ किया है। अब खेती में बढ़ती लागत और घटना उत्पादक सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए सरकार लागत घटाने की दिशा में प्रयत्न कर रही है। ठीक है, हाँ, मंत्री जी आज आप कार्यक्रम में आए हैं, कई तरह से आपने संबोधित किया है, जिस तरह से प्रदेश में आपने कहा कि बढ़ती लागत और घटता उत्पादन, क्या कहेंगे, कितना किसान प्रभावित है? देखिए, ये हमारी सरकार का ये संकल्प है, हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि कैसे हमारे किसान साथियों को उसकी फसल का उचित दाम कैसे मिले, कैसे जो है उसका उत्पादन जो है प्रति एकड़ कैसे बढ़ाया जाए और कैसे जो है उसकी लागत कम की जाए, वो दिशा में जो है हमारी सरकार काफी तरह से काम कर रही है और हमने इसकी शुरुआत कर दी है। अभी आपने देखा होगा कि सरकार बनने के बाद जो है हमने हमारे किसान साथियों को बिजली का बिल, बिजली के बिल को आधा करने का काम किया। कृषि के उपकरण जिसमें सब्सिडी बहुत कम होती थी उसको बढ़ा करके 50% तक करने का काम किया है और गो आधारित जो है खेती कैसे हो, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। उससे कहीं ना कहीं हम हमारे किसानों को जो है प्रशिक्षण देंगे, उनको जागरूक करेंगे और स्वयं किसान जो है अपने खेत में जो है खाद कैसे बना सके, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है जिसके इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी प्रदेश में हम लोगों ने लगभग 1000 से अधिक जो है गौशालाओं का निर्माण करने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय में अगले 5 साल में प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो है एक गौशाला का निर्माण हो, ताकि उन गौमूत्र के माध्यम से, गोबर के माध्यम से और जो गौ माता की हमको उपलब्ध होने वाली चीज़ें होंगी उसके माध्यम से हमारे किसान अपनी जो है खेती को आगे बढ़ाने का काम करें और लागत कम करें।